हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाउमीन स्टाइल मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैगी को बॉईल कर लेंगे। तो अभी एक पैन में लेंगे थोड़ा सा पानी और उसको कर लेंगे गरम। फिर इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक, और फिर इसमें ऐड कर देंगे दो मैगी। मैगी जल्दी बॉईल हो जाती है, तो 3 से 4 मिनट में ये मैगी यहाँ बॉईल हो गई है। तो अब मैगी को पानी से निकाल लेंगे और एक बार ठंडे पानी से भी निकाल देंगे। इससे इसकी कुकिंग रुक जाएगी और ये स्टिकी स्टिकी भी नहीं रहेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, या फिर आप अपनी कोई और पसंद की सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट, बीन्स या फिर पत्ता गोभी। शिमला मिर्च को भी 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे बॉईल की हुई मैगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 मैगी डाली थी, तो 2 सैशे ही मैं इसमें मसाला भी ऐड कर दूंगी। अब मैगी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे मैगी बनाने से बिल्कुल चाउमीन वाला ही टेस्ट आता है इसमें। फ्रेंड्स, चाउमीन स्टाइल मैगी बनके तैयार है। आप सब भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा स्नैक ऑप्शन भी है, तो आप सब भी इसे बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।